Hello friends, my name is Archana Dhadal. I am from RK University Ayurvedic College and Hospital. Today I am going to present you about Ghrut Kumari Ras Kriya. First I start with Ras Kriya. Ras Kriya kya hai? Recooking of quartz, swaras, heme etc. attains thick foam like solid known as Ras Kriya. Quartz, swaras ya heme ka dusri bar jab hum cook karte hai तो एक सॉलिड की तरह वो फॉर्म में बन जाता है, उसे रसक्रिया कहा जाता है। रसक्रिया इज सिमिलर टू औलेह एंड काकवी। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट घृत कुमारी रसक्रिया, माय टॉपिक। व्हाट इज घृत कुमारी? घृत कुमारी को गुजराती लोकल लैंग्वेज में कुंवर पाठू कहा जाता है और उसको इंग्लिश में एलोवेरा कहा जाता है। एलोवेरा का प्लांट कई जगह पर प्राप्त होता है। फर्स्ट आई स्टार्ट विथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एलोवेरा है, उसकी छाल को हमें पूरी तरह से निकाल देना है और उसके अंदर का जो पल्प होता है, उसके अंदर का जो गर होता है, उसको हमें पहले एक बड़े मुंह वाले बाउल में इकट्ठा करना है और फिर उसको हीटेड ऑन वेरी माइल्ड फायर, बहुत कम अग्नि पे हमें उसको हीट करना है। फिर जब वो एकदम सॉलिडिफाइड जैसा दिखने लगे तब हमें उसको निकाल लेना है। फिर हमें उसको एक प्लेट में सुखाने के लिए रख देना है। इसे मुसब्बर ऐसे जाना जाता है। डोसेज कितनी मात्रा में लेना है? 10 से 20 ग्राम की मात्रा में ही हमें ये लेना है। फिर उसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स, यूज इन पाम, वर्ण, छर्दी, तृष्णा, कास, हृदरोग, हार्ट डिजीज, कुष्ठ डिजीज ऑफ त्वक यानी कि स्किन, मूत्रकूर्च, कृमि या रक्त विकार, इन सभी में हमें ये रसक्रिया का उपयोग करना है। फिर आती है उसकी प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज में पित्तरेचक, ऋतुस्राव वर्धक, जो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको इंक्रीज करता है, यकृत क्रिया वर्धक, पाचन, पाचक, डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। फिर उसका अनुपान, जनरली तो कोई भी अनुपान ना दे तो चलेगा, बट कभी कभी हम उसको मिल्क और हनी को अनुपान की तरह यूज़ कर सकते हैं।